नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑटो के समय में। मैं हूं आपका दोस्त अमन साड़ और स्वागत करता हूं आज की इस डेली डोज में। आशा करूंगा आपको ये डेली डोज पसंद आई, अगर आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए पता लगाते हैं आज के गजब के डेली डोज के बारे में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का डेली डोज। आशा करता हूँ आपको हमारे प्रीवियस डेली डोज पसंद आया होगा। अगर आप देखना भूल गए तो नीचे आइए, हमने लिंक प्रोवाइड कर रखी, देखिए और बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका सपोर्ट हमारे को बिल्कुल नहीं मिल रहा है, कारण क्या है ये तो आप ही बता सकते हैं। तो कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या क्या नई नई चीजें हम लेके आ सकते हैं, क्या चीज आप देखना चाहते हैं और किस प्रकार से हमारे वीडियो को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आशा करेंगे कि आप जवाब देंगे और यहाँ पर आप सपोर्ट भी दिखाएंगे। यहाँ पे बात कर लें आज के सबसे पहले डेली डोज की, तो ये आ रही है एमएसआई की तरफ से और यहाँ पे ये लेके आ गए हैं होली स्प्लैश सेल, जिसके तहत आपको मिल जाएंगे बंडल गिफ्ट्स, वो भी लैपटॉप के साथ। जी हाँ, जैसा आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप GL73 लेते हैं तो वहां आपको लूट बॉक्स मिल रही है और गेमिंग बैकपैक भी देखने मिल रहा है। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो ये सिर्फ ऑफलाइन सेल है, तो अगर ऑफलाइन आप परचेस करेंगे तो यहाँ पर आप इन एक्सेसरीज को ले जा सकते हैं और इनके भी मजे उठा सकते हैं। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इस सेल का लाभ उठाना चाहेंगे। बात करें एक्चुअली डेली डोज की, तो ये आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से और यहाँ पे मालूम पड़ा कि ये टेस्ट कर रहे हैं इनके स्काइपी के अंदर एक नए फीचर को, जिसके तहत आप 50 लोगों से कॉल करके बात कर सकते हैं। जी हाँ, ग्रुप कॉल के अंदर 50% को यहाँ इजिली जोड़ पाएंगे और उनसे यहाँ पर आप चैट कर सकते हैं या फिर अपना काम कर सकते हैं। तो बताइए क्या सोचते हैं, क्या आपको ये फीचर पसंद आया कि नहीं आया। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रहे हैं चेक पॉइंट रिसर्च की तरफ से और यहाँ पे इन्होंने बताया कि 200 से ज्यादा ऐप यहाँ अफेक्ट हुआ है सिम बैड एडवेयर के कारण और अब इन्हें गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया है। साथ ही साथ मालूम पड़ा है कि इन ऐप के कारण अराउंड 150 मिलियन यूजर वर्ल्ड वाइड अफेक्ट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया है यहाँ पर। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, किस प्रकार से गूगल प्ले स्टोर और अच्छे अच्छे एक्शन लेता है, जल्दी जल्दी एक्शन लेता है ताकि इतने यूजर्स को यहाँ अफेक्ट ना हो। तो आप ये क्या सोचते हैं। बात करें एक्चुअली डेली डोज की, तो ये आ रही है एंड्रॉइड क्यू से और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि गूगल वर्क कर रहा है इम्प्रूव्ड जेस्चर नेविगेशन पर। जी हाँ, जैसा आप देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपको खूब सारे ऑप्शन अब मिल रहे हैं और यहाँ पर आप अपने नेविगेशन को और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। तो देखते हैं ओवरऑल किस प्रकार से एंड्रॉइड क्यू आता है, क्या क्या नई नई चीजें लेके आता है और क्या हमारे को फाइनली डार्क मोड देखने को मिलता है कि नहीं। तो बताइए क्या सोचते हो, क्या आप भी वेट कर रहे हैं एंड्रॉइड क्यू का, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार फिजी फिल्म की तरफ से और इन्होंने इंडिया में लॉन्च कर दिया है इनका XT30, जो कि आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पे बात करें फीचर की, तो फीचर हम बता ही चुके हैं परंतु मोस्टली बात थी प्राइसिंग की। तो यहाँ पर प्राइसिंग निकल के आई है कि अगर आप खरीदते हैं इसका सिर्फ बॉडी तो यहाँ पर आपको 74,999 रुपीज देने होंगे। वहीं अगर आप इसके लेंस के साथ खरीदते हैं यानी 1855mm लेंस के साथ तो यहाँ आपको पे करना होंगे 94,999। और यहाँ पर अगर आप लेते हैं 18135mm वाला लेंस तो यहां पर आपको पे करने होंगे 99,999। तो ओवरऑल कुछ इस प्रकार से आपको इनकी प्राइसिंग देखने को मिलेगी। ये कंपनी की साइट पे अवेलेबल है और वहां से आप परचेस कर सकते हैं। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इस मिररलेस कैमरा को परचेस करना पसंद करेंगे। बात करें अगली डिलीवरी की, यार एप्पल की तरफ से यहाँ पे इन्होंने इंडिया में लॉन्च कर दिए दो नए आईपैड। ये है एक तो आईपैड एयर और दूसरा है 2019 वाला आईपैड मिनी। जी हाँ, जैसा आप देख सकते हैं आईपैड एयर कुछ इस प्रकार से देखने को मिला और लुक बढ़िया है। बात करें यहाँ पे इसके फीचर की, तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 10.5 इंच रेटिना डिस्प्ले। यहाँ पर बात करें इसकी रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पर आपको 2224x1668 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने मिल जाएगा। यहाँ पर एप्पल के स्मार्ट कीबोर्ड को ये सपोर्ट करता है, पेंसिल को भी ये सपोर्ट करेगा। यहाँ पर A12 प्रोसेसर आपको देखने मिल जाएगा, 64GB और 256GB वेरिएंट में आपको मिलेगा। यहाँ पर बात करें और चीजों की, तो हाँ इसकी वेट है 453 ग्राम, जो कि बहुत ही लाइट वेट है। टच आईडी आपको मिल जाती है, 8MP का रेयर और 7MP का फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है। बात करें और चीजों की, तो यहाँ पर ही आपको दो वेरियंट में देखने मिलेगा, एक तो है वाईफाई जिसकी कॉस्ट रखी गई है 44,900, वही दूसरी की रखी गई है जिसमें आपको वाईफाई प्लस सेल्यूलर देखने मिलेगा और उसके लिए आपको पे करना होंगे
25,900। यहाँ पे बात कर लें 2019 वाले iPad mini की, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। बात करें फीचर की, तो यहाँ आपको सेम 7.9 इंच की डिस्प्ले मिलती है, परंतु यहाँ अब आपको मिलती है रेटिना वाली। यहाँ पे बात करें इसके रेजोल्यूशन की, तो 2048x1536 पिक्सल रेजोल्यूशन आपको देखने मिलेगा। सेम A12 प्रोसेसर देखने मिलेगा। 299 ग्राम इसका वेट है। 64 और 256 GB वेरियंट ऑप्शन में आपको ये मिलेगा। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ पर कोई स्मार्ट कीबोर्ड की कंपेटेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। यही बात करें आप इसके प्राइसिंग की, तो वाईफाई वेरिएंट खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए पे करना होंगे 34,900, और वहीं अगर सेल्यूलर वेरिएंट खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे करना होंगे 45,900। तो देखिए क्या सोचते हैं और क्या आप इनमें से कोई भी एक नया आईपैड लेना पसंद करेंगे। बात करें अगली डिलीवरी जो आ रही है डेल की तरफ से, और ये लेके आ गए हैं इंडिया के अंदर 3 नए गेमिंग लैपटॉप, जिसमें से सबसे पहला है G7, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। यहाँ पर बात करें G7 की, तो यहाँ आपको 15 इंच और 17 इंच में मिलेगा। 6Hz और 144Hz रिफ्रेश रेट आपको देखने मिल जाएगी। फुल HD रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। वहीं दूसरे में आपको अल्ट्रा HD OLED पैनल मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 16Hz रिफ्रेश रेट देखने मिलेगी। एक जनरेशन में इंटेल हेक्साकोर प्रोसेसर मिल जाएगा, कोर i5 वाला और कोर i7 और कोर i9 वाला भी आपको यहां ऑप्शन मिलेगा। यहां पे बात करें और चीजों की, तो यहां पर आपको G7 मिलता है RTX 2060 2070 और 2080 Max Q डिजाइन में। यहां पर बात करें रैम की, तो 8GB और 16GB तक आप ले जा सकते हैं। यहां पर आपको 1TB SSD और 2TB HDD का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर बात करें और चीजों की, तो ओवरऑल लुक देख सकते हैं। बात कर लें यहां पर इसकी प्राइसिंग की, तो ये स्टार्ट हो रहा है 1,57,399 से। यही बात कर लें M15 की, जो कि सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है Alienware सीरीज के अंदर। आप देख सकते हैं इसके कुछ इस प्रकार से फीचर देखने मिलेंगे। बात कर लें यहां पे इसके प्राइसिंग की, तो यहां पर इसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है 1,78,399 से। यही बात कर लें आखिरी प्रोडक्ट की, तो यह है Alienware एरिया 51M, और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। बात कर लें फीचर की, तो वो भी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। यहां पर बात करें प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइसिंग रखी गई है 2,99,590। तो अब आप बताइए क्या सोचते हो, क्या आप इनमें से कोई भी एक गेमिंग लैपटॉप लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें एक्चुअली डिलीवरी, तो यार ये रिपोर्ट से, और ये रिपोर्ट कहती है कि जो गूगल के आने वाले हैं मिड रेंज वाले फोन, उनका यहाँ पर नाम दिया गया है पिक्सल 3A और 3A XL। जी हाँ, पहले कुछ और बताया जा रहा था, अब यहाँ नाम चेंज हो चुके हैं। और यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार से दोनों स्मार्टफोन आते हैं, क्या होते हैं इनके फीचर और किस प्राइसिंग में सेल आउट होते हैं। बात करें अगली डेलीवर की, तो यार ये सैमसंग की तरफ से, और यहाँ पे इन्होंने टीज कर दिया है इनके आने वाले इवेंट को। जी हाँ, यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं तीन डिवाइस दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला बोला जा रहा है गैलेक्सी A10, फिर बोला जा रहा है A60 और लास्ट वाला बोला जा रहा है A20। यहाँ पे बात करें इवेंट की डेट की, तो अप्रैल 10 को ये रखा जाएगा, और वहां पर और डिटेल के साथ साथ हमारे को प्राइसिंग के बारे में भी मालूम पड़ जाएगा। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप इनमें से कोई भी एक डिवाइस को लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। साथ ही साथ बताइए कैसा लगा आज का डेली डोज। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही था, मैं था आपका दोस्त अमन सारड़ा। भारत माता की जय।